हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉग्स ऑफ गुड़गांव। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैवन सीन द वीडियोज़ ऑफ द चैनल प्लीज़ गो थ्रू देम ऑल एंड सी व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग टू डू द बेनिफिट्स फॉर द डॉग्स। ये जो वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ये कल रात की वीडियो है और मैं सेक्टर 23 गुड़गांव में रहता हूँ और मेरे पास एटलीस्ट 30-35 डॉग्स हैं जिन्हें हम फीड करते हैं। तो पहले 25-26 के अराउंड डॉग्स थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्टेड टू मल्टीप्लाई। उन्होंने बच्चे दे दिए। यू नो, विंटर्स के टाइम पे ऐसा होता है कि डॉग्स बच्चे वगैरह दे देते हैं, तो 7 नए छोटे बच्चे हमारे क्लान में जुड़ गए हैं। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में मैंने सिर्फ 2 ही डॉग्स की वीडियो बनाई है, 2 ही पपीज़ की। आगे जाके जब हम और जैकेट्स और स्वेटर्स वगैरह डॉग्स को पहनाएंगे तो मैं बाकी के डॉग्स की भी वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हम कितने डॉग्स को फीड करते हैं और उनकी टेक केयर करते हैं। तो बाकी की स्टोरी, बैक स्टोरी मुझे लगा कि मैं डालूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा चैनल इतना नया है, लोग सुनेंगे भी नहीं सुनेंगे, ध्यान भी देंगे नहीं देंगे, व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, मेरा रिकॉर्ड करने का कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, राइट? मेरा मेन पर्पज़ इस चैनल को बनाने का ये था कि मैं लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मॉनिटरी बेनिफिट के लिए या पैसों के लिए इस चैनल को बनाया है। एंड ऑफकोर्स अगर ऐसा कुछ होता भी है कि आगे जाके मोनेटाइज हो जाता है चैनल या फिर पैसे आने शुरू हो जाते हैं, इफ़ आई स्टार्टेड टू गेट समथिंग फ्रॉम यूट्यूब, आई यूज़ द मनी फॉर द बेनिफिट ऑफ डॉग्स ओनली। मतलब मैं डॉग्स के लिए यूज़ करूँगा ऑफकोर्स। तो लॉकडाउन की स्टार्टिंग में जब मैंने और मेरे कज़न ने डॉग्स को फीड करना स्टार्ट किया था, तो हमने बहुत ही छोटे स्केल पे अपनी गली में ही आसपास के डॉग्स को फीड किया करते थे हम लोग। और देखते 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 वो डॉग्स की संख्या बढ़ती गई और इतने डॉग्स हो गए। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप एक डॉग को फीड कर रहे हो, देन आप देख रहे हो कि एक दूसरा डॉग आपको दूर से देख रहा है ना, उसकी मतलब आँखों में आपको दिख रहा है कि उसे भी भूख लग रही है और वो देख रहा है ऑलरेडी कि आप एक डॉग को फीड कर रहे हो, तो आप उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता और कोई भी जो एनिमल लवर होगा वो नहीं कर पाएगा उसे इग्नोर। तो ऐसे बढ़ते 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 बहुत सारे डॉग्स हो गए। फिर लॉकडाउन खुला और उसके बाद ऐसा हुआ कि डॉग्स वगैरह को प्रॉपर फूड मिलना शुरू हो गया। मतलब गली मोहल्ले वाले लोगों ने देखा कि अगर बच्चे इतना कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। लॉकडाउन खुला और सारे डॉग्स फिर से बैक टू नॉर्मल हो गए, उनकी ज़िंदगी वैसे ही चलने लगी, उनको खाना वाना प्रॉपर मिलने लगा। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे लोगों का ऐसा मानना नहीं है कि स्ट्रे डॉग्स एक प्रॉब्लम है, टच वुड। लोग यहाँ के बहुत अच्छे और सपोर्टिव हैं और उन्हें लगता है कि यार हम ही इनकी टेक केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मैंने अपने एरिया में छोड़ के मैंने ऐसे एरियाज़ ढूंढने शुरू किए जहाँ पर कोई सोसाइटी वगैरह, रेजिडेंशियल एरियाज़ या फिर खाने पीने के कुछ सोर्स नहीं है डॉग्स के पास। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे जगहों पर जाकर डॉग्स को फीड करता हूँ जहाँ पर उनके पास खाने पीने का एक्सेस नहीं है। सो सेक्टर 23 एक ही एक मार्केट है, वहाँ पर पिज़्ज़ा हट है एक, तो हमने वहाँ से अपने डॉग्स को फिर से एक नया क्लान बनाया, वहाँ फीड करना शुरू किया। तो वहाँ पर भी पहले स्टार्टिंग में 1-2 डॉग्स से स्टार्ट किया था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो बहुत सारे हो गए। तो अभी फ़िलहाल ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, इफ़ यू आर लुकिंग एट द वीडियो, द वीडियो इज़ फ्रॉम द सेम मार्केट वेयर वी स्टार्टेड फीडिंग द डॉग्स आफ्टर द लॉकडाउन वॉज ओवर, राइट? देन अभी ये फ़िलहाल 2 पपीज़ हैं, ये एक न्यू एडिशन है, एक फीमेल डॉग आया था, उसके 2 बच्चे हुए हैं। तो मैंने ये लोकल मार्केट से जाके ये जैकेट्स इनके लिए ख़रीदी, ये मुझे पड़ी 150 के अराउंड, 2 जैकेट्स थी। इसके बाद हमने शू लेसेस लेके इनको छेद करके इनको ऐसा बेल्ट टाइप बना दिया ताकि अगर जो ये छोटे पप्स हैं इनको जैकेट्स ढीली हैं तो ये इनको पहन सकें। और इसके बाद हम अपना वही एज़ यूजुअल जो करते हैं, डॉग्स को फीड करेंगे। 33 के अराउंड डॉग्स हैं जिन्हें हम फीड करने वाले हैं। इसके बाद बाकी की वीडियोस मैं डालूंगा, आप देख सकते हैं चैनल पे, और फीडिंग के मैंने शॉर्ट्स वगैरह भी डाले हुए हैं। फ़िलहाल अभी सिंस मेरा न्यू चैनल है तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं
या फिर मैं कैसे ऐसी चीज़ें डालूं जो लोगों को अगर दिखे तो लोग उसको शेयर करें, लोग आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करें कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, आप भी डॉग्स को फीड कर सकते हो, आप भी एक चेंज ला सकते हो अपने आसपास, राइट। तो आई होप ये वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहें कि आप अपने आसपास के जानवरों को फीड करना चाहते हैं या उनको शेल्टर देना चाहते हैं, उनको कपड़े देना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ रुकिए मत। आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है मेरे पेज पर, आप मुझे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक पूरी देखी और आपको लगा कि हम एक अच्छा काम करें, तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।